तो जनाब हम आए हैं रदु भाई को ओशन माल घुमाने और उनको डिनर करवाने, तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा। जो जो अपडेटिंग होती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। आज है वीकेंड और पार्किंग में होगा वड्डा रोला, लेकिन अब करना तो है, मेहमान है तो घुमाना भी है। कोई भी हरा दे, लेकिन उसने भी एक मैच जीता था, अलग बात है, बाद में हार गया। ओशन मॉल ने हमें वेलकम कर दिया है। जनाब अब हम हाइपर मार्केट जा रहे हैं क्योंकि ओशन मॉल में हमें पार्किंग नहीं मिली, और अभी हम दो तलवार क्रॉस कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि जैदू के सामने इज्जत रह जाए और हम उसको अच्छी जगह विजिट करवा सकें। रोस्टिंग वो लाए डकी भाई है, तो ये मुझे कह रहा था कैसे रोस्ट, ये मुझे कह रहा था रोस्ट ऐसे नहीं कि अगर कोई हर दिमाग टकरेगा पता ही नहीं चलेगा, ओपन हो जाता है। मैंने कहा यार बड़ी बात है, के रोस्टिंग क्यों करी तू? ये मुर्शिद वाला जी की वीडियो में रोस्टिंग थी ना। अच्छा कौन नहीं कर भाई जी, जो ये रोस्टिंग वाला ना तो आप पूछ के नहीं करते थे क्या? ओ अखरोट सुठो हो न के तू डाडो सुठो रोस्ट कन है वरी रेस्पोंस भी सुठो दी दो दोस्त है मुझे। हां वो रेस्पोंस सुठो दी दो ओ देव गुड वाला भी इतना वो चला था आपका, वो ट्रेंड भी अच्छा चला था मेरे जो ये ट्रेंड सब एकदम मिलियन में चल रहे थे। हां वो वाला बंद क्यों कर दी नानी वाला ट्रेंड। तो जनाब बड़ी मुश्किल से हमें डॉल्फिन मॉल में पार्किंग मिली है और जैदू साहब जा रहे हैं। आप थोड़ा आप कट गए आप जैदू अब लगाइए। बंदी कह रही है वीडियो अलाउ नहीं है, अब ये कमाल नहीं है। अब आपको सर्दी क्यों लग रही है पहले ये बताइए। पहले नहीं था, अभी दो तीन दिन से सर्दी है यहाँ पे, बहुत सर्दी लग रही है। ऐसे का कुछ भी मिल रही है। थैंक यू। क्रिसमस का सजाया हुआ है सारा, गाड़ी अभी तक खड़ी हुई है, नहीं निकाली है इन लोगों ने। जनाब टू मच रश है और हमें बैठने की सिटिंग नहीं मिल रही है और खाना हमें हार्डीज है। अब देखते हैं क्या होता है, पहले जैदू को बिठाएं उसके बाद उठें कुछ देखें। चे तो हो गया है, गफार नाम रखेंगे। अब्दुल वासे आप क्यों नहीं ले रहे हो? गाइस अम्मी जानवर खा रही है, बीफ की गोश्त खा रही है, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा और आप चिकन खा रहे हैं तो ये चिकन नहीं खा रहे हैं, चिकन मुर्गी होती है तो वो खा सकते हैं। अच्छा और बीफ नहीं खा सकते, उसकी कुर्बानी करते हो गौ माता की। खाना खाया और ये SGT ऑफिस है, यहाँ से आप किसी भी कंट्री में आसानी से विजिट कर सकते हैं। चार मुल्क के झंडे देखते होंगे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और हर कंट्री के हिसाब से उनके क्लॉक भी लगे हुए हैं, उस हिसाब से आपको टाइम बताया जाता है। SGT ट्रस्टेड है, तो आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, अपना वीजा वगैरह जो भी इशू है आपका यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, वीजा भी निकलवा सकते हैं,
और घूमे फिरे पूरा मुल्क लेके एंजॉय करें। और हाँ, ये वीडियो लाजमी देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना, जितना सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।